जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार के व्रत में भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया जाता है। भगवान बृहस्पति देव, जो भी भक्त इनका सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष में भगवान बृहस्पति देव का वास माना गया है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डालना चाहिए। वहां पर एक दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद भगवान बृहस्पति देव को पीले वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। उन्हें ऋतुफल आदि भी अर्पित करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करें, इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर केले का वृक्ष ना हो, वहाँ पर भगवान बृहस्पति देव का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूजन करें तो लाभकारी होगा। गुरुवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी आदि नहीं बनवानी चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन साबुन सर्फ आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके यहाँ कोई उसकी संतान ना थी, लेकिन वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी ना तो स्नान कभी करती थी और ना ही किसी देवता का कभी पूजन ही किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या बड़ी होने लगी और प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती हुई जाती थी और फिर लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीन कर अपने घर लेकर के आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने फिर से व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से सोने का सूप उनसे देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान करो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। अब वह उसे अपने घर लेकर आ गई और अब उस सोने के सूप से सोने के जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था और राजकुमार कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुंचा और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम्हें
किसी ने परेशान तो नहीं किया या किसी ने तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं दिया या तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है। मुझे सब बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया और फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने पहुंचा। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल अपनी पुत्री से बोला। तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और फिर सुबह उसे स्नान कराकर पूजा पाठ उससे करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी और फिर बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है। भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।